ए का जो आंसर आ रहा है वो पी और आर आ रहा है, और बी का जो आंसर आ रहा है वो क्यू और आर आ रहा है, सी का जो आंसर आ रहा है वो क्यू और एस आ रहा है, और डी का जो आंसर आ रहा है वो क्यू और आर आ रहा है। अब बताओ किसमें प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। हो गया सर? कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा किसी भी ऑप्शन में? फॉर्मूले यही है दोनों आपके, है ना? क्लियर है सबको? कार्तिक, हाँ क्या डाउट है बोलो कार्तिक, क्या कह रहे हो कार्तिक बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन डाउट है। फर्स्ट फर्स्ट, ऑप्शन में परसेंटेज हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बाय मास और परसेंटेज बाय मोल में, सर परसेंटेज बाय मोल का आंसर 25 और 75 नहीं आ रहा। परसेंटेज बाई मोल का आंसर है ना, हाँ तो जी परसेंटेज बाई मोल का आपको निकालना है, किसका निकालना है? हैवियर आइसोटोप, हैवियर आइसोटोप मतलब सेकंड वाले का है ना, तो सेकंड वाले का निकालना है, तो ए एवरेज, ये वाला फॉर्म लगाना, ए एवरेज माइनस ए वन है ना, ए एवरेज, तो ए एवरेज कितना था जेड, रेड पेन ले लो, ए एवरेज था जेड माइनस ए वन, ए वन कितना था, जेड माइनस वन, और इसमें हो जाएगा आपका ए टू माइनस ए वन, सो ए टू कितना था, ए टू था जेड प्लस टू, और ए वन कितना था, जेड माइनस वन इंटू हंड्रेड। तो ऊपर जेड खत्म हुआ, वन बचा, नीचे क्या बचा, नीचे भी जेड खत्म हुआ, फोर बचा इंटू हंड्रेड, तो परसेंटेज बाई मोल तो 25% आ रहा, सही है, क्या दिक्कत है तुमको? ठीक है सर। अब आता है परसेंटेज क्या, मा बाई मास निकालूंगा, तो परसेंटेज बाई मास कैसे आएगा, जिसका भी निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन ऊपर आएगा, वो क्या आएगा उसका मोल फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज बाई मोल, एक्स क्या था, परसेंटेज बाई मोल, परसेंटेज बाई मोल कितने थे, 25, ये जो एक्स की वैल्यू है ना वो कितना था, ये जेड प्लस थ्री, और एवरेज कितना था, जेड इंटू हंड्रेड, तो जेड तो कैंसिल नहीं हो रहा है, परसेंटेज बाई मास डिपेंड ऑन जेड, ये सही आ रहा है, पी आर तो सही आ रहा है, आंसर 75 नहीं आएगा। ठीक है ऐसे करो, लगभग सबने कर ही लिया है क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपने टॉपिक के, और वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, लगभग आप लोगों को आता ही होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी केमिकल चेंज जो हो रहा होता है जब उसे पेपर पे आप लिखते हो, है ना, उस कंपाउंड के फॉर्मूले वगैरह की मदद से, तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, है ना, वो क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है, जब उसको आप बैलेंस करते हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के, है ना, एटम वगैरह कंजर्व कराते हो, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो मूल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक, कोई इस तरीके से कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इस तरीके से, तो इसका, इनका कहना यह है मोल कॉन्सेप्ट में कि मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, जो रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइड बाय उसी का कोफिशियंट, है ना, और मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइड बाय उसी का कोफिशियंट बी, इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड डिवाइड बाई उसी का कोफिशियंट, इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड डिवाइड बाई उसी का कोफिशियंट, ये है ना, हाँ जस्ट एज केमिकल, वो वहीं से ड्राइव होता है, अभिषेक ये ड्राइव भी वहीं से होता है ना, ये केमिकल काइनेटिक्स से ही, अगर कोई मुझसे कहता है कि सर ये ड्राइव करके दिखाओ, तो ये केमिकल काइनेटिक्स से ही ड्राइव हो सकता है, वहीं पे है ना। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का फंडा लगा के, डीवाई डीटी वाला नहीं था फंडा, वो लगा के ही ड्राइव किया जाता है।
तो वहां से हो जाता है मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड बाई ए और मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बाई बी, मोल्स ऑफ सी फॉर्म बाई सी, इस तरीके से रहता है ना। तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोफिशियंट होते हैं, जैसे आपने किया 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl गिविंग यू 2 AlCl3 ऐसे करके दिया आपको और 3H2। तो ये जो कोफिशियंट होते हैं यहाँ पे, जो इसके कोफिशियंट है 2, 6, 2, 3, ये जो कोफिशियंट होते हैं क्या बताते हैं पता है तुमको? ये क्या बताते हैं? ये कोफिशियंट का जो रेशियो है वो मोल रेशियो बताते हैं। मतलब आप कैसे पढ़ोगे, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑन रिएक्शन में 6 मोल्स ऑफ HCl गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ AlCl3 एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आप ऐसे मत सोचना कि आप टू टू सर, अगर मैं कभी कभी बोलता हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए तो ऐसे पढ़ते हैं 2 एल्यूमिनियम 6 HCl रिएक्ट करता है सर, 2 AlCl3 देगा 3H2 देगा, ये तो बेकार बात है ना। तो ऐसे तो कोई भी पढ़ देगा, जो जानता है केमिस्ट्री, नहीं जानता है कुछ भी कर रहा हो तो कोई भी पढ़ देगा इस तरीके से। आपको कैसे पढ़ना है? आपको पढ़ना है 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑन रिएक्शन विद 6 मोल्स ऑफ HCl गिव्स 2 मोल्स ऑफ AlCl3 एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? ये अगर आप रिवर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप रिवर्स भी पढ़ सकते हैं। रिवर्स पढ़ने का क्या तरीका है? रिवर्स पढ़ने का तरीका में ये है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होगा है ना, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो फॉर्म्ड होगा वो फॉर्म्ड होगा 2 मोल्स ऑफ AlCl3 से है ना, और 2 मोल्स ऑफ AlCl3 फॉर्म बाई बाई रिएक्टिंग 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड 6 मोल्स ऑफ HCl, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है, ओके। अब अगर मान लो कोई एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि फाइंड फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय बाय रिएक्शन विद 3 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विद HCl, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन तो यही यूज करनी है। कितना आंसर आएगा इसका, देखो आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। 3 ग्राम एल्युमिनियम है, रिएक्ट करके कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस देगा? क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? ना मोबाइल ऐप के जो वीडियो सेक्शन है आपका, उसके वीडियो सेक्शन में डेली का डेली वीडियो जो है ना आपका मिलता जाएगा आपको, है ना। तो जिनका प्रीवियस क्लास छूटा हुआ भी है वो भी उनको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। आज इनकी पहली क्लास है, मैं वीडियोस को अरेंज कर दूंगा, 4-5 वीडियोस हैं और मैं डेली का डेली वीडियो वाले सेक्शन में लेक्चर वाइज जैसे यूट्यूब पे डालता हूँ उसको साइमल्टेनियसली ऐप पे भी डाल दूंगा, तो आप कभी भी देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज फोल्डर बनाता जाऊंगा, मोल के बाद जब दूसरा चैप्टर बनेगा। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या? क्या? हेलो, एक बार चेक करो। ठीक है, और जब चैप्टर चेंज होगा तो मैं फोल्डर चेंज कर दूंगा तो उस चैप्टर के भी बनते रहेंगे, तो आपके पास हमेशा जो कंटेंट है वो हमेशा बनता मिलता रहेगा आपको, है ना, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद 3 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विद HCl, है ना। 3 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और HCl को इस तरीके से करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करते हैं हाइड्रोजन का, है ना, मैं बता दूंगा रोहन, है ना, मैं बता दूंगा। मैं एक छोटा सा वीडियो बना के उसी बैच में डाल दूंगा रोहन, तो तुम्हें पूरा मिल जाएगा, मैं समझा दूंगा, है ना। एक छोटा सा वीडियो बना के मैं अभी पुट कर दूंगा तो आपको कैसे मोबाइल ऐप यूज करना पता चल जाएगा, है ना। कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है, क्या हुआ भाई? तो कैसे करोगे आपको, अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में क्या करोगे, आपको एल्यूमिनियम का डेटा आपको दिया गया है और हाइड्रोजन का आपसे पूछा गया है, यही है ना, है ना। एल्युमिनियम का डेटा आपको दिया गया और हाइड्रोजन का डेटा आपसे पूछा गया है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे मोल्स ऑफ
एल्यूमिनियम रिएक्टेड, ओके, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड डिवाइड बाय उसका कोफिशियंट, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड डिवाइड बाय उसका कोफिशियंट, है ना। तो मोल्स ऑफ जो एल्यूमिनियम रिएक्टेड आएगा वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आपको पास 3 ग्राम दिया हुआ था, उसको आप 27 ग्राम पर मोल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और डिवाइड बाय उसका कोफिशियंट 2। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको फाइंड आउट करने, आप एक्स मान लो, डिवाइड बाय 3 कर देना, ठीक है। तो ये 1/9 हो जाएगा, सो हो जाएगा 1/9 इंटू 2 इक्वल टू एक्स बाय 3, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 मोल, ठीक है। मास निकालेंगे कैसे, मिलाएंगे, निकालेंगे मास से मोल पे कैसे पहुंचते हैं, हाँ? मास से मोल पे कैसे पहुंचोगे, 1/6 इंटू 2, हाँ, तो 1/3 ग्राम हो जाएगा, है ना, आ जाएगा, कर लोगे इस तरीके से, कर लोगे आप लोग, बोलो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, है ना, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें इसके केस में, कि एक तो ये तरीका है जैसे मैंने बोकेस तरीका बताया है ना, सबने कर लिया होगा, कोई ऐसा तो नहीं क्लास में ना कर पाया हो। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं और आप उसको देख लो, 2Al प्लस 6HCl gives you 2AlCl3 plus 3H2। ये हमारे पास 3 ग्राम था, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, 3 को 27 से डिवाइड करना है इसके ग्राम एटॉमिक मास से। सो सबसे पहले अपने को क्या बनाने, अपने को बनाने मोल, तो 1/9 मोल आ गए। एक बार जब मोल आ जाए तो आप सुनना जो मैं आप बोलूंगा, उससे थोड़ा जल्दी आ जाया करेगा आपका आंसर। तो जिधर जिसका मोल दिया है, एल्युमिनियम का मोल दिया हुआ है, सुनना, एल्युमिनियम का मोल दिया हुआ है, एल्युमिनियम का मोल दिया हुआ है और हाइड्रोजन का पूछा हुआ है, तो जिसका दिया है, जिसका पूछा है, जहां से आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट कहां से करोगे, आप स्टार्ट करोगे एल्युमिनियम से और जाओगे कहां, पहुंचोगे कहां पे, हाइड्रोजन पे। तो जिधर से आपने शुरू किया है जाना, ठीक है, उसका कोफिशियंट उठा लेना, कितना कोफिशियंट है एल्युमिनियम का, 2, और जहां पे पहुंचोगे वहां जाके डिवाइड कर देना, कहां पे पहुंचोगे, पहुंचोगे 3 पे, तो क्या हो जाएगा, आपको 3/2 करना है ऐसे, जिससे स्टार्ट किया था और जहां पे पहुंचना था, जहां पे पहुंचना था वो हमेशा सर पे रहेगा, वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जहां से स्टार्ट किया था वहां पे क्या होगा, वो नीचे जाएगा उसका कोफिशियंट। और जो मोल आप बनाते हो या जो क्वेश्चन में मोल दिए जाते हैं वो कभी डिवाइड होते ही नहीं है, चैलेंज है मेरा, पूरी केमिस्ट्री में डिवाइड नहीं होंगे, हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, 1/9 ऐसे कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 1/6 मोल आ जाएगा, कर पाओगे। सो 1/6 को क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट 1/3 ग्राम, यस और नो, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम है, एनीबडी इन द क्लास, कोई दिक्कत, जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर। हाँ, यूनिटी मेथड से जो है ना करने में दिक्कत आएगा आपको, जब आपको क्या होगा, जब आपको वैसे टिपिकल वैल्यूज आती है ना तो दिक्कत आती है, इसलिए क्या होगा, है ना, ठीक है, गुड। अब एक काम करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं रिवर्स जाना चाहूं, तो उल्टा H2 से एल्युमिनियम पे पहुंचना चाहता है, तो अगर H2 से एल्युमिनियम पे पहुंचना चाहता है तो H2 कितने मोल है अपने पास, 1/6 मोल है, और कोफिशियंट कितना है अपना, 3। तो वो यहां से यहां जब जाना चाहेगा वापस, मैं अब ब्लू पेन से लिखूंगा, तो स्टार्ट कहां से किया, हाइड्रोजन से, पहुंचा कहां पे, एल्युमिनियम पे, तो जहां से स्टार्ट किया है वो तो नीचे जाएगा, जहां पहुंचा है वो ऊपर रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, 2 कोफिशियंट, नीचे कौन सा कोफिशियंट रहेगा, 3, और मोल कितना है, क्या है, 1/6, है ना, हाँ, इनटू क्या हो जाएगा, 1/6
सिक्स मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 1/9 मोल आ गया, ठीक है। तो कैसे भी आपको इधर से जाओ यहां या यहां से यहां जाओ, कैसे भी जाओ, वो भी अपने आप होता जाएगा। कभी किसी ने पूछा कि 1/9 मोल अगर एल्युमिनियम रिएक्ट हो रहा है तो HCl कितना रिएक्ट होगा, अगर ये पूछा गया कि 1/9 मोल जो एल्युमिनियम रिएक्ट हो रहा है इससे HCl कितना रिएक्ट होगा, तो HCl रिएक्ट कराने के तरीका क्या है, यहां से यहां पहुंचना है। तो स्टार्ट कहां से किया, स्टार्ट किया एल्युमिनियम से, पहुंचे कहां पर, HCl पर। तो एल्युमिनियम का कोफिशिएंट करो डिवाइड, HCl का ऊपर रहेगा, एल्युमिनियम का नीचे रहेगा, और मोल होंगे मल्टीप्लाई। हाँ, वो यूनिटरी मेथड ही है ना, यही है। तो ये 1/3 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे एक 27 मोल आएंगे क्या, 27 तो ना आएंगे, 1/3 मोल ही आएंगे, है ना। कर पाओगे इस तरीके से क्वेश्चन को, कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो एक तो ये वाला काम हो गया आपके आपके लिए, है ना। ओके, इसके बाद एक और होता है दैट कॉल्ड सीरीज ऑफ रिएक्शन की बात होती है, उस पर भी काम कर लेते हैं। सीरीज ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, देखो आप, बताता हूं मैं आपको। NaI प्लस जैसे सिल्वर नाइट्रेट को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो AgI प्लस NaNO3 बनता है। AgI को अगले स्टेप में ले जाते हैं और उसको Fe से रिएक्ट कराते हैं, तो Fe2 बना लेता है और सिल्वर को फ्री कर देता है। अब जो Fe2 बनता है वो अगले स्टेप में जाता है, उसको रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाती है। क्लोरीन क्या करता है, अपना 2FeCl3 बना लेता है और I2 को फ्री कर देता है ना। तो एक तरह से आयोडीन बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है ना, आयोडीन बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि 3 स्टेप में होता है ना, इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि 3 स्टेप में होता है। इसको हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कह सकते हैं, हम इसको सीरीज ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो 3 स्टेप में परफॉर्म हो रहा है, ये सेकेंड स्टेप है। मैं 3 स्टेप की बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि अगर पहला स्टेप नहीं चलेगा, मान लो पहला स्टेप अगर बंद हो गया, तो डेफिनेटली क्या होगा, दूसरा स्टेप भी बंद हो जाएगा। अगर क्योंकि हो क्या रहा है कि सेकेंड स्टेप में जो AgI है, ये जो AgI है सेकेंड स्टेप में, इसको किसने दिया है, किसने दिया है बताओ। किसने दिया है, फर्स्ट स्टेप ने दिया है ना। तो जो फर्स्ट स्टेप में AgI बन रहा है वो सेकेंड स्टेप में आ रहा है ना। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप में Fe2 बन रहा है वो थर्ड स्टेप में आ रहा है। तो यहां पे 3 रिएक्शन है, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, समझना मेरी बात को सभी लोग। तीनों इंडिपेंडेंट नहीं, दोनों डिपेंडेंट है। जैसे वो कंपनी वगैरह में होता है ना, वर्कर चेन में काम करते हैं, ऐसे एक एक मशीन ये लगा हुआ है, एक मशीन ये लगा हुआ है, एक मशीन ये लगा हुआ है। तो ये वाला वर्कर इसको बना के देगा आइटम, फिर ये वाला इसको बना के देगा, फिर ये वाला आगे बना के देगा, ऐसे करके एक लाइन में, है ना, लेन अरेंजमेंट कहलाता है ना। तो आपस में लिंक रहे है ना, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है। ओके, क्वेश्चन मेरा जो है ना वो ये है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नीडेड। एक छोटा सा क्वेश्चन बना के बताते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको रिकॉल करा देते हैं आपको। हाउ मेनी ग्राम सिल्वर नाइट्रेट इज नीडेड नीडेड टू गेट 254 ग्राम आयोडीन इन लास्ट स्टेप। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है,
करें इसको आगे, है ना? कैसे करोगे? किसके बारे में जानना चाहते हैं हम लोग? किसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, किसके बारे में जानना चाहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन को बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, लेट द मास ऑफ, सॉरी मास कह रहा हूं, मोल मानता हूं ज्यादा बेटर होगा, मास मानने से फायदा नहीं होगा, मोल मानते बाद में मास निकाल देंगे। लेट द मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट नीडेड इक्वल टू क्या होगा, ए मोल हो जाएगा, ठीक है, ए मोल हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका ए मोल रख देते हैं, पेन चेंज करते हैं। अब ये ए मोल यहां से स्टार्ट करेंगे, भाई हमने ए मोल लिए है तो हमें कहां पहुंचना चाहिए सबसे पहले, ए मोल से सिल्वर नाइट्रेट से कहां जाऊंगा? हाँ, जिनको मैंने अंडरलाइन किया उन्हीं के लिए काम करेंगे, बिकॉज वहीं से कनेक्टेड है आपस में ये तीनों इक्वेशन, उन्हीं से जब कनेक्टेड है तो उसी से होते हुए आयोडीन तक पहुंचेंगे, ठीक है? ठीक है कुशल, प्रतीक, अभिषेक, हर्ष, है ना? तो यहां से बताओ कि ये कितना बनेगा, ये एजीआई कितना बनेगा? एजीआई कितना बनेगा? ए मोल ही बनेगा ना, क्योंकि कोफिशन वन वन है तो वन बाई वन, ये तो कोफिशन का गेम हो गया, और इन टू ए करोगे दैट बिकम ए मोल, ठीक है। अब मुझे कोई क्लास बता सकता है कि मैं यहां कितने मोल लिखूं इस जगह पे? सेकेंड स्टेप में एजीआई के मोल कितने लिखूं? तो अब तीन आंसर आने के चांसेस होते हैं, कुछ लोग मुझे ए बाई टू देते हैं, कुछ लोग मुझे टू ए देते हैं, कुछ लोग मुझे ए बताते हैं। तो जो लोग मुझे ए बाई टू बताते हैं कि सर ए बाई टू लो, हेलो, नेक्स्ट, इसमें मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमने जो पहले स्टेप में जो आयोडीन के एजीआई के जो मोल्स बनाए थे वो कितने बनाए थे? ए मोल बनाए थे। अब अगर मुझे कोई कहता है कि नेक्स्ट स्टेप में ले जाके ए बाई टू रिएक्ट करा दो, तो मेरा कहना यह कि यार ए बाई ए बनाए थे, आधे कहां चले गए? और जो कहता है टू ए लिख दो, मैं उसको कहता हूं कि यार मैंने ए बनाए थे, डबल कैसे हो गए? अगर मेरे, जैसे समझ लो मैं ये पेन बनाने का कोई मेरा मशीन चल रहा है, तो इधर से जो मेरे जस्ट बाद पहले जो वर्कर बैठा हुआ है या काम कर रहा है, वो मुझे अगर 100 पेन बना के देगा तो मैं 100 पेन ही बनाएगा, है ना? ठीक है, है ना? तो इसलिए क्या होगा कि जितना जितना पहली रिएक्शन में बनेगा उतना ही दूसरी रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ये बात मेन है। यही बात सिखाने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा था, यही वाली बात को, कि आपको पहले स्टेप में जो सीरीज ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि फर्स्ट स्टेप में जितना बनेगा सेकेंड स्टेप में उतना ही रिएक्ट करेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आपको ये कोफिशिएंट ओफिशिएंट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो टू कोफिशिएंट, कुछ लोग जो कंफ्यूज हुए हैं वो इस वजह से कंफ्यूज हुए क्योंकि उनको ये टू कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है। अरे वो दूसरी रिएक्शन का है यार, वो तो कोफिशिएंट जब मोल बनाओगे तब की बात अलग है, वहां से यहां लेकर आओगे तब थोड़ा चेंज होगा, तो ए मोल रहेगा। समझ में आ गया सबको? अब यहां से यहां पहुंचो, यहां से जब यहां पहुंचोगे तो जिस स्टार्ट कहां से किया एजीआई उसका कोफिशिएंट कितना है टू, पहुंचना कहां एफईआई टू उसका कोफिशिएंट कितना वन, तो वन ऊपर रहेगा जहां पहुंचना है और नीचे टू आएगा, ए बाई टू हो जाएगा। अब जो ए बाई टू में जो आपको टू दिख रहा है ना, वो एजीआई के टू की वजह से है,
सेकेंड, आई रिपीट, सेकेंड रिएक्शन में जो Fe2 दिख रहा है, Fe2 के आपको जो A/2 मोल दिख रहे हैं, उसमें जो AgI के 2 मोल दिख रहे हैं, कोफिशिएंट है, उसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है। अब Fe2 कितना आएगा, Fe2 कितना आएगा, A/2 ही आएगा, ना कम ना ज्यादा जितना वहां बना था। उसके बाद यहां से यहां जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 into A/2 मोल। तो इस तरीके से आयोडीन कितना बना, आयोडीन बना A/2 मोल, ये तुमने बनाया। आयोडीन कितना बना, A/2 मोल, ये तुमने बनाया। और क्वेश्चन में कितना बनाना था, क्वेश्चन में बनाना था 3254 ग्राम। आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 127। तो तुम तो कह रहे हो कि A/2 बनना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से बनना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से 254 बनना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से जब मोल बनाओगे तो आयोडीन का, एक आयोडीन का होता है 127, दो आयोडीन का वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मोल आ जाएगी। इस तरीके से AgNO3 कितना यूज होगा, 2 मोल यूज होगा। तो मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना निकालोगे, वो जाएगा 2 into 108 plus 62, है ना। तो कितना होगा, 170, 340 आंसर आ रहा है। कुछ लोगों का आंसर आ भी गया था 340, गुड, ऐसे हो जाएगा। आप किसी को डाउट हो इसमें, कोई बात समझ में ना आई, भाई एक ही कंसेप्ट था जो मुझे बताना था, वो ये था, मतलब बाकी तो सब मोल का, मोल वाला पार्ट जैसा होता है इक्वेशन में वैसा ही किया गया है। बस एक ही चीज बताई, बतानी है कि इसमें बताई थी कि जो ये होगा, जितना मोल्स पहले स्टेप में रिएक्ट करेगा उतना ही मोल आपको दूसरे स्टेप में रिएक्ट कराना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, है ना। पहले स्टेप का क्या कोफिशियंट, पहले स्टेप में AgI का कोफिशियंट 1 था, दूसरे स्टेप में 2 था, उससे कोई लेना देना नहीं होता है ना, जितना है ना, है उस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो जितना हम पहले स्टेप में लेंगे उतना ही दूसरे स्टेप में भी ले सकते हैं। ओके चलिए, अब इसे कह रहे हैं सर पीछे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वहां से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, उधर से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपसे एक सेकंड तरीका क्या है, सेकंड मेथड जो होगा वो क्या हो सकता है, सेकंड मेथड ऐसा हो सकता है, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ इसको, सेकंड मेथड ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट आयोडीन से स्टार्ट करना चाहे, तो वो क्या करेगा, वो पहले मोल्स ऑफ I2 बनाएगा। मोल्स ऑफ I2 कितने बनेंगे बोलो, 254 अपॉन 254, कितने बन जाएंगे, 1 मोल बनेंगे I2 के मोल। अभिषेक 2 नहीं बनेंगे, 1 बनेंगे, I एटम का 127 होता है ना, तो 1 मोल बनेगा। 1 मोल को थोड़ी देर के लिए अपन B मान लेते हैं, 1 मोल को थोड़ी देर के लिए B मोल मान लेते हैं अभी, है ना। अब यहां देखते हैं कि अगर अपने को B मोल आयोडीन चाहिए है तो अपने को Fe2 कितना लग रहा होगा, तो रिवर्स जाओगे, I2 से Fe2 तक जाओ, उल्टा जाओ, है ना, I2 से Fe2 की तरफ जाओ, तो I2 का कोफिशियंट 2 है और Fe2 का भी 2 है, तो B ही आएगा, 2/2 into B करोगे तो B आएगा। अब यहां से उल्टा जाओ, सेकेंड रिएक्शन में Fe2 कितना होगा, B होगा, क्योंकि जितना यहां बना है दिख रहा है वो सब यहीं से आया होगा, यहां पे B होगा। अब यहां से वापस AgI पे आ जाओ, 2B हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये कहां से आएगा, यहां से आएगा, और यहां से यहां पहुंच जाओ, 2B। B की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 मोल आया नहीं आ गया, तो 2 मोल तो पहले भी आ रहा था, 2 मोल तो पहले भी आ रहा था, ये सुनो, ठीक है। तो दोनों तरफ से करना आपको आ गया समझ में, दोनों तरफ से कैसे करते हैं, दोनों क्वेश्चन समझ में, इस तरीके से आपको आ गए, क्लियर हो गया। तो ये वाली बातें समझ में आ गई आपको ना, तो ये था इस तरीके से, है ना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट और भी है, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का, उस पर काम कर लेते हैं।
पढ़ा होगा आपने, है ना। यशोवर्धन क्या चाहिए आपको? एक बार एंड का कैलकुलेशन, कौन सा कैलकुलेशन? माइक ओपन करो, रेड में जो है ना। ओके भाई, ए बाई टू मोल आयोडीन बन गया था, ये समझ में आ गया था यशोधन? ए बाई टू बन गया था आयोडीन, ये समझ में आ गया था। तो ए बाई टू जो है ना, ए बाई टू ये हमने बनाया था, ये हमने बनाया था। और क्वेश्चन में कितना बनाना था? 254 बनाना था। तो 254 क्वेश्चन का था ये, तो क्वेश्चन के मोल बनाए आयोडीन के, क्वेश्चन से मोल बनाए, है ना। और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्योंकि मैंने सिल्वर नाइट्रेट उतना ही माना है जितना वो कितना करेगा, जितना वो 254 ग्राम आयोडीन को बना सकता है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर लो, यहाँ पे ए मोल ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 1 के बराबर थी, है ना। यहाँ से ए आ जाएगा, ए का मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई कर दो, 108 होता है इसका, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, है ना, ठीक है, चलो। तो लिमिटिंग रिएजेंट बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, आप लोग यूज भी करते रहे, है ना। तो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, कोई बताएगा मुझे क्लास में आपकी? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? हाँ अभिषेक, क्या बताओ बताओ। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो जो मान लीजिए दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ए बी सी डी बना रहे हैं, ठीक है, तो हाँ बी जो है अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है वो रिएक्शन में तो उसको अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, तो जो बी पूरी को जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा हाँ आपका। कंज्यूम हो जाएगा पूरा रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बना लेंगे। अभी तो सही नहीं आया। जो पहले कंज्यूम होगा, ये बात सही है ना, है ना। द रीजन विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। कंज्यूम तो हो रही था, रिएक्टेंट है, तो द रिएजेंट विच कंज्यूम ये हो जाएगा, है ना। द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, है ना। तो वो क्या होगा आपका? द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं जो सीट में लिखा हुआ है आपके, है ना। मैंने ही लिखा था आज के, शायद 15 साल पहले लिखा होगा, 2004-05 में लिखा होगा, तब से वो लिखा ही हुआ है। Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl, मोल का सीट मेरा ही बनाया हुआ ये वाला, मतलब ऑक्सीडेशन बहुत पुराना था, काफी कुछ है, अब तो चेंज काफी कर दिया है, काफी कुछ चीजें वही पड़ी हुई हैं जो पहले बनाई थी, ये था, ठीक है। मोल का है, केमिकल काइनेटिक्स का पता नहीं कैसा है, केमिकल काइनेटिक्स का भी बनाया था पहले, तो नाम भी पढ़ा रहता था उसमें, अब नहीं पढ़ा रहता है, पहले फैकल्टी का नाम पढ़ा रहता था। तो बिफोर बिफोर रिएक्शन में क्या होगा? मैं एक काम करता हूँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट का, और उस केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट है, आपको मालूम कैसे चलता है? भाई आपका दिमाग लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ जाए नहीं गया तो क्या करोगे? मालूम कैसे चलता है? पीयूष बताना चाह रहा है, बैलेंस केमिकल रन्स है, बैलेंस केमिकल को रन करते हो, मोल्स कंपेयर करना होगा कैसे? सर मोल्स को कॉफिशिएंट से डिवाइड करके जो हाँ वैल्यू लेस होती है उसको वो लिमिटिंग रिएजेंट होती है। अच्छा, तो मतलब आप हर बार डिवाइड करोगे रिएक्टेड
मोल रेशियो और कोफिशिएंट रेशियो अलग होना चाहिए। हसन का आंसर सही आया। बेसिकली होता क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो देखा करो और मोल का रेशियो देखा करो। अगर मोल और कोफिशिएंट का रेशियो कभी मैच कर गया, रेशियो की बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, 1:2 है कोफिशिएंट का रेशियो, तो मोल आप जैसे ले लो इसके 4 मोल ले लो, इसके 8 मोल ले लो, है ना, और ये भी मत बनाओ 0:0 है, या इसके 5 मोल ले लो तो इसके 10 ले लो, इसके अगर आपने 10 लिए तो 20 ले लो। मतलब मोल का रेशियो जो होना चाहिए वो कोफिशिएंट के रेशियो में होना चाहिए। अगर सुनना मेरी बात, अगर मोल का रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर है तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा और दो रिएक्टेंट एक साथ एक ही समय पे खत्म होंगे। बात समझ आई? अगर मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो में है तो वो सब्सटेंसेस डेफिनेटली एक साथ एक ही समय पे खत्म होते हैं, एक साथ एक ही समय पे खत्म होते हैं और कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, कोई पहले खत्म होता ही नहीं है। कोई दो में से कोई अगर पहले खत्म हो जाए तो उसको हम लिमिटिंग मान सकते हैं, लेकिन दोनों अगर साथ में खत्म हो रहे हैं तो किसी को भी लिमिटिंग नहीं माना जा सकता है, है ना। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम करता है जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं, स्पेशली रेडॉक्स में पढ़ते हैं या कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना कि इतने KMnO4 से कितना FeSO4 रिएक्ट करेगा, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और हमेशा क्या करते हैं मोल के जो कोफिशिएंट के रेशियो में उनका मोल या मिलीमोल लिख देते हैं, उससे आंसर आ जाता है, है ना। तो दो कंडीशन फॉर टू सब्सटेंस टू रिएक्ट कंप्लीटली क्या बन जाती है हमारी केमिस्ट्री में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या कंडीशन लिखो आप, कंडीशन फॉर टू सब्सटेंस react completely, है ना, में क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर टू सब्सटेंस रिएक्ट कंप्लीटली, अगर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए देयर मोल रेशियो इक्वल टू देयर कोफिशिएंट रेशियो, ये हो जाना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि दो सब्सटेंस आपस में कंप्लीट, मतलब कोई ए और बी में से किसी को बचाना नहीं है, और ए के मोल दिए और बी के मोल निकालने हैं, तो सिंपल है कि ए के मोल और बी के मोल का जो रेशियो होगा वो ए के कोफिशिएंट और बी के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। ये काफी काम आएगा आपको, मैं जब आप भूल जाओगे तो बार बार आपको रिकॉल कराऊंगा, लोग भूल जाते हैं, मैं तो हर साल ही पढ़ाता हूँ तो मुझे बार बार रिकॉल कराना ही पड़ता है इस तरीके से। तो चलते हैं अब इसमें आते हैं, तो अगर हम आफ्टर रिएक्शन की बात करें इसके केस में, यहाँ पे मोल का रेशियो कितना आ रहा है बताओ भाई, 4:8 में मोल का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है, या सुनो आ रहा है 1:2, और कोफिशिएंट का रेशियो भी कितना है, 1:2 है, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, है ना, कोई भी लिमिटिंग नहीं है। आफ्टर रिएक्शन दोनों एक साथ खत्म होंगे और दोनों की जगह पे 0 लिखा जा सकता है, ये गारंटी होगी। अब उसके बाद ये कहता है कि अपने को क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो क्योंकि दोनों एक साथ एक ही समय पे खत्म हुए हैं, क्योंकि आपको आपको गारंटी हो चुका है कि Na2CO3 का 4 मोल कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है, और इसका 8 मोल कंप्लीट खत्म हुआ है, तो आपको जिससे चाहे उससे मर्जी आए उससे आप प्रोडक्ट बना दो, कोई समस्या नहीं है। आप HCl से बना दो, आप Na2CO3 से बना दो, किसी से भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, आंसर सेम आएगा। कोई कहता है सर मैं HCl से बनाऊंगा, बिल्कुल बनाए, कितना बनेगा, ये बनेगा 2/2 × 8, 8 मोल बनेगा। कोई कहता है इससे सर यहां जाना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 × 8 कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, हाँ
कोई कहता नहीं सर मैं तो Na2CO3 से बनाऊंगा, बिल्कुल बना सकता है Na2CO3 से, है ना, Na2CO3 से भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं, वहां से भी बना के देखते हैं। यहां से यहां जाओ तो ये क्या होगा, 2/1 होगा ना, जहां पहुंचे हो उसका क्वेश्चन हमेशा सर पे रहेगा, ऊपर रहेगा, जहां पहुंचे हो, जहां पहुंचना है NaCl पे पहुंचे हो, कहां से Na2CO3 से, तो NaCl का ऊपर रहेगा और Na2CO3 को भी नीचे रहेगा, इनटू क्या करोगे 4, कितना आ जाएगा 8 मोल। यहां से यहां जाओ कितना आ जाएगा, ठीक है 4 मोल है ना, CO2 पे आ जाओ तो कितना होगा 1/1 × 4, तो आंसर सेम आ रहे हैं सब, देखो कोई दिक्कत हूं बोलो, नहीं। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मतलब कैसा नहीं हुआ, बोलो कौन बताएगा कैसा नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ते समय आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ते समय आपने, हाँ क्वेश्चन पढ़ते समय आपने क्या किया कि मोल का रेशियो और कोफिशन के रेशियो में क्या किया, आपने देखा कि यार मोल का रेशियो और कोफिशन का रेशियो आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सब्सटेंस लिमिटिंग रिएजेंट होगा ही होगा, गारंटी है, ऐसे करना होता है आपको। क्वेश्चन पढ़ो, बैलेंस करो, मोल लिखो, मोल को कोफिशिएंट से मैच करा के देखो, रेशियो मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ओके लिमिटिंग होगा, ओके चेक द लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे करना। स्टेप वन में क्वेश्चन पढ़ो, स्टेप टू में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, स्टेप थ्री में रिएक्टेंट के मोल लिखो, स्टेप फोर में मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो मैच करा के देखो इक्वल है क्या, इक्वल है तो दोनों एक साथ खत्म होंगे और किसी से भी मोल, किसी से भी प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। और अगर वो, अगर उनमें से क्या हुआ, अगर उनमें से कोफिशिएंट का रेशियो और मोल का रेशियो आपस में इक्वल नहीं हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, आपको वो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बाद में टफ एग्जाम्पल भी लेंगे, है ना, पहले आसान एग्जाम्पल लेते हैं। और आसान एग्जाम्पल में मैं सिंपल सा एक चीज डेटा बदलूंगा बस, और कुछ नहीं करना है ना, सिंपल सा डेटा बदलना है मुझे कि Na2CO3 जो है ना वो HCl जो होगा यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं 4 मोल कर रहा हूं और यहां पे मैं 6 मोल कर रहा हूं और यहां पे मैं 0:0 कर रहा हूं। अभी जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो अभी 1:2 है, ये कोफिशिएंट का रेशियो है, और जो मोल का रेशियो है वो 4:6 है, मतलब 2:3 है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, कोई ना कोई लिमिटिंग होगा, कोई ना कोई लिमिटिंग जरूर होगा, है ना। अब कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए कुछ लोग पढ़ के भी देखते हैं कि भाई 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता है, 2 से 3 करेगा, 3 से 6 करेगा, 4 से 8 करेगा, तो अगर मुझे 4 मोल पूरे के पूरे इसके रिएक्ट कराने हैं तो वी नीड 8 मोल ऑफ HCl, या आप ये कहेंगे 4 मोल के लिए वही कोफिशिएंट बराबर करके कि इसका अगर 4 मोल है तो इसका एक्स मोल है, तो क्या लिखोगे 4 / x = 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी 8, ऐसे करके निकल आएगी। तो एक्स मोल तो है नहीं, आपके पास कितने मोल है, 6 मोल है, तो लिमिटिंग हो जाएगा, एक तो पढ़ने से आ जाता है, पढ़ने से अच्छा है कि आप तो क्या कर लो कि आप सबसे अच्छा काम क्या करते हो, सबसे अच्छा काम क्या करते हो, सबने बताया भी था मुझे कि सर हम तो मोल अपॉन कोफिशिएंट कर लेते हैं, मोल ऊपर रखते हैं और कोफिशिएंट नीचे रखते हैं, ये 4 आ गया सर, यहाँ पर भी हम मोल को ऊपर रखते हैं और कोफिशिएंट को नीचे रखते हैं, 3 आ गया, इन दोनों डिवीजन में जो कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ऐसे ही करते हो आप लोग, या सुनो बोलो ऐसे ही करते हो आप लोग, ठीक है। तो लिमिटिंग कौन आ गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, इसको हम लोग लिखते L.R, तो भाई इसको भी लिख दिया करो यार, इसको भी लिखा करो, एक्सेस में होगा ये थोड़ा बच जाएगा, अकेला लिमिटिंग एजेंट क्यों फाइंड आउट करो, आप
जो उसके साइड में जो रखा हुआ बचा हुआ वाला है उसको भी लिख दो कि बचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसकी गारंटी है वहां जीरो होगा। या सुनो, यह समझ में आई? आफ्टर रिएक्शन किसकी गारंटी है? आफ्टर रिएक्शन HCl के खत्म होने की पूरी गारंटी है, बिकॉज इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और जब तक HCl खत्म नहीं होगा तब तक रिएक्शन भी चलेगी, तब तक प्रोडक्ट भी बनेगा। लेकिन एक बार HCl खत्म हो गया तो प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई नहीं है। वैसा ना रही है ना? प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई नहीं है। तो प्रोडक्ट कब तक बनेगा? जब तक कि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए अब आप दोनों से नहीं बना सकते जैसा आपने यहां बनाया था कि Na2CO3 से बन गया था, आंसर सेम आ गया था, HCl से भी सेम आ गया था। उसका क्या रीजन था? क्योंकि दोनों एक साथ एक ही समय पर कंज्यूम हुए थे और दोनों के मोल आफ्टर रिएक्शन जीरो हो रहे थे। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां आपको सारा काम किससे करना पड़ेगा? HCl से करना पड़ेगा। करे तो यहां से यहां पहुंचना कितना बनेगा बोलो? 2/2 × 6 मोल बनेगा। यहां से यहां देख लो, कितना आएगा? ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, इससे बता सकते हो, यहां से यहां ये बता सकते हो कितना बचेगा? ये एक्सेस में है ना अर्पित, तो कितना बचेगा? अभिषेक, हर्ष, शिवानी, हाँ, आदित्य, दो आदित्य हमारे, आकांक्षा, अक्षत, अमित, अर्पित, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1/2 × 6 ऐसे करोगे करोगे ना, तो कितना आएगा? 3 मोल। ये कौन से मोल आए? ये कौन से 3 मोल जो मैंने लिखे, कौन से मोल्स हैं? कौन से मोल्स हैं? यूज्ड मोल्स हैं। कैसे पता लगा यूज्ड है? क्योंकि ये जो 6 लिखा हुआ है ना, ये 6 मोल भी यूज्ड है। जो 6 मोल लिखा है ये भी यूज्ड वाला है। तो 3 मोल जो है वो यूज्ड वाले हैं। तो जो एक्सेस वाला होगा कितना हो जाएगा बोलो? ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कर पाओगे? तो ऐसे आपको काम करना है। तो क्या सीखा आपने? सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हम देखेंगे कि मोल लिखेंगे, मोल लिखने के बाद हम देखेंगे कि यार मोल का कोफिशिएंट कहीं मैच तो नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो फिर तो दोनों ही खत्म हो रहे हैं, किसी से भी अब प्रोडक्ट बना दो। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कोई लिमिटिंग होगा। लिमिटिंग चेक करने के लिए क्या करना है? मोल अपॉन कोफिशिएंट, मोल अपॉन कोफिशिएंट ऊपर लिख लेंगे, जिस जो कम आएगा वो लिमिटिंग। फिर प्रोडक्ट किससे बनाएंगे? सब लिमिटिंग से बनाएंगे। रिएक्टेंट भी कितना बचा, कितना रिएक्ट हुआ, वो सब भी जानने के लिए किससे काम करेंगे? लिमिटिंग से ही काम करेंगे, है ना। जैसे एक्सेस जो Na2CO3 इस एग्जाम्पल में जो समय आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस एग्जाम्पल में Na2CO3 कितना बच गया है वो भी कौन, किसने कैलकुलेट करके दिया? लिमिटिंग रिएजेंट में कैलकुलेट करके दिया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। करते हैं क्वेश्चन, इस पे बात करेंगे तुम्हारे प्रॉब्लम पे, है ना, करते हैं बात इस पे। ओके, चलो अब हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं। ओके, और उसको कैसे करोगे आप देखो। 2A+3B+4C गिविंग यू 5D। तो ये तो 3 मोल है,
ये 4 मोल है, और इसका मोल कितना ले लेते हैं, 3 मोल ले लेते हैं। ये बिफोर रिएक्शन है, ठीक है, 4 मोल सी कर ले। हाँ सही कह रहा, डी लिख दिया मैंने, यहाँ पे सी कर लेते हैं, है ना। और आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ये तो 0 होगा, है ना। ये जो आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, जल्दी आप बताओ कितना होगा। रिएजेंट से प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रिएक्शन तभी तक चलेगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट खत्म नहीं होगा, खुशी, है ना। लिमिटिंग की डेफिनेशन क्या था, रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, समझे। आप ऐसे समझ लो कि जैसे यहां पे इस चैम्बर में आपको कुछ बनाना था, मान लो आपको अमोनिया बनाना था, तो यहां से इस एक पाइपलाइन से आप N2 भेज रहे हैं, इस पाइपलाइन से आप H2 भेज रहे हैं। जिस समय ये H2 आना बंद हो जाएगा, उसी समय अमोनिया का बनना बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, H2 बिकम द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो डिसाइड किसने किया कि जब तक हाइड्रोजन गैस पहुंच रही थी तभी तक अमोनिया बन रही थी, तो इस जब तक लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट नहीं हुआ तब तक आपका, है ना, तब तक क्या होगा, तब तक वो प्रोडक्ट बनता रहेगा, रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, है ना, रिएक्शन रुक जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपकी गाड़ी में भले ही बाकी सारी चीजें हों, लेकिन अगर पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो फिर आप चलना बंद कर दोगे, है ना, वो वाली बात है। तो सबसे पहला काम आपने देखा कि मोल का रेशियो और कोवेन का रेशियो आपस में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई लिमिटिंग होगा। वो जानने के लिए आपने क्या किया, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड किया, मोल 3 कोफिशिएंट 2 यानी कि 1.5, मोल कितने 4 यानी कि 1.33, ठीक है। फिर क्या होगा 3/4 की 0.75 यानी कि ये लिमिटिंग, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो गारंटी हो गई कि यहाँ 0 होगा इसके फिलिंदा ब्लैंक्स में, और यहां से यहां जाना होगा तो ये हो जाएगा 5/4 × 3 15/4 मोल। ये तो करेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही निकाला, कोई समस्या नहीं है, है ना। अब क्या करेंगे, यहां जो लिखेंगे इस पे फिलिंदा ब्लैंक्स में, वो ऑब्वियसली बात इनके बच्चे हुए लिखेंगे, लेफ्ट वाले लिखेंगे, तो बच्चे वाले मोल का कैलकुलेशन भी कौन हमें करके देगा, वो भी हमें लिमिटिंग रिएजेंट ही करके देगा। तो यहां से यहां पहुंचना है, वापस आ जाओ इधर से यहां, तो इसका कोफिन कितना है 4, इसका कितना है 3, तो जाएगा 3/4 और × 3, ठीक है, ये बचेगा, नहीं ये तो रिएक्ट करेगा, सॉरी ये तो रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। और उसके बाद इसको माइनस कर लो, 3 − 9/4 12 में से 3 हो गए 3, तो 3/4 यानी कि 0.75 मोल्स जो है ना लेफ्ट आ जाएगा। किसका 4 मोल है, अरे यार सॉरी 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 यार क्या कर रहा हूं मैं, तीन से मल्टीप्लाई कर दिया यार, एक मिनट रुको, ये × 4 होगा ना, नहीं ये तो सही था, क्या कर रहा था, 3/4 × 3 9/4 मोल तो कौन से थे, 9/4 मोल तो यूज थे, है ना, सब गलत किया था, 4 − 9/4 करना था,
16 माइनस जो है ना 9, तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 4, दैट बिकम 7/4 आंसर आएगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, ये लेफ्ट होगा, ये ठीक है। अब ठीक है, पेन चेंज करते हैं, तो यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहां से यहां पहुंचेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका है 4 इंटू 3, ये 3/2 मोल कौन से होंगे बोलो, रिएक्टेड लेफ्ट कितने होंगे, 3 माइनस 3/2, 3/2 आ जाएंगे लेफ्ट ना। ठीक है, आगे समझ में, सबका हो गया आंसर। हाँ, सब में मल्टीप्लाई फैक्टर 3 ही रहेगा समीर, बिल्कुल, बिकॉज सबको डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, इसी के मोल है, लिमिटिंग रीजन के मोल है डिसाइडिंग फैक्टर, है ना, लिमिटिंग रीजन के जो मोल्स है वही डिसाइडिंग फैक्टर है ना। हाँ, उसी के रिस्पेक्ट में करना ही पड़ेगा अभिषेक, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन को लिमिट कौन कर रहा है, पूरी रिएक्शन को लिमिट कौन कर रहा है, वो लिमिट कर रहा है कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, ही लिमिट कर रहा है, सी ही लिमिट कर रहा है, उसी उसी वही क्या होगा, उसके खत्म होते ही डी का बनना बंद, सुनना, उसके खत्म होते ही डी का बनना बंद हो जाएगा और ए और बी का रिएक्ट होना बंद हो जाएगा। तो ए जो डी की कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ रही थी वो बढ़ना बंद हो जाएगी, ए और बी की जो घट रही थी वो घटना बंद हो जाएगी, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही सी खत्म होगा, जैसे ही लिमिटिंग एंड खत्म हो जाएगा। हाँ, लिमिटिंग एंड एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाता, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, वो कैसे पता चलेगा, ऐसे समझ लो, मैं इसी को मैं आपको बताता हूँ, किसने पूछा, प्रिया ने पूछा है, मैं एक बार करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ और बताता हूँ आपको, 2a+4b और यहाँ पे 4c था जैसे, ना ऐसे, तो जैसे इसका इसका 3 मोल था और इसका भी मैं 3 मोल देता और इसका भी 3 मोल देता, ठीक है, तो अब आप जब लिमिटिंग फाइंड आउट करते तो आप यहां पे क्या लिखते, यहां पे लिखते ऊपर में क्या लिखते, इसके ऊपर में लिखते मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट, ये लिखते, यहां पे लिखते मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट और यहां पे भी लिखते मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं प्रिया? हाँ, तो अगर कभी ऐसा मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट अगर इक्वल आ जाता, जैसे यहां था ना, यहां पे ये 0.75 आ रहा था और ये 1.33 आ रहा था, अगर किसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज कैसी आ जाती, सेम आ जाती, तो फिर बी और सी दोनों लिमिटिंग हो जाते, तो दोनों के साथ, दोनों एक साथ खत्म हो रहे होते, बी और सी दोनों एक साथ खत्म हो रहे होते लेकिन ए एक्सेस में होता, तो ए के रिस्पेक्ट में बी और सी दोनों लिमिटिंग होते। लेकिन इसमें क्या समस्या है, ये वाला जो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है इस समय प्रिया, Na2CO3 और ट्वाइस HCl वाला जो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो ही रिएक्टेंट है बच्चा, इसमें दो ही रिएक्टेंट है, वो दोनों ही खत्म हो रहे हैं, तो अब किसके रिस्पेक्ट में लिमिटिंग बताओगे, पहले कौन खत्म हुआ, तो यहां नहीं बता पाओगे, अगर कोई एक्सेस है और कोई पहले खत्म हो गया तब तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर अब यहां पे अगर मान लो तीनों एक साथ खत्म होने लगे तो तुम तब भी नहीं बोल पाओगे लिमिटिंग, अगर ए बी सी एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही समय पे खत्म होने लगे फिर कोई लिमिटिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग का डेफिनेशन है कि एक को पहले खत्म होना चाहिए। हाँ, दोनों के रिस्पेक्ट में आंसर सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं, अभी से बिल्कुल सही, दोनों के रिस्पेक्ट में आंसर सेम ही आ जाएगा, फील आ गया, यस नो, क्लियर है, ठीक है, सो जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर, अगर सब कुछ सही जा रहा है ना, सारी चीजें अगर प्रॉपर बैठ गई हैं तो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, है ना, ये हो गया, अभी बहुत सिंपल सिंपल ले रहा हूँ, अभी जस्ट आपका बस बेस बना रहा हूँ,
अभी बहुत जबरदस्त वेरिएशन चालू होने वाले हैं, चालू होंगे क्लास के अंदर केमिस्ट्री के, उसमें अभी वेरिएशन करे नहीं है मैंने, अभी जस्ट समझा रहा हूँ आपको, बस रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता है केवल, है ना। हाँ, दोनों में से किसी एक से कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है विवेक। हाँ बिल्कुल सही, जब आपको पता है कि दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हैं तो दोनों में से किसी एक से ही करो। सही बात है, ऑब्वियस सी बात, दोनों में से एक ही से करोगे, दो से क्यों करोगे, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। या तो आप बी से कैलकुलेट कर लो या सी से कैलकुलेट कर लो, ठीक है विवेक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, वो है लिमिटिंग रिएजेंट एंड सीरीज ऑफ रिएक्शन, है ना। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2a प्लस 3b गिविंग यू ab प्लस ab 2। अब 2ab प्लस 4d मिलकर बना रहा है, अच्छा फिजिक्स की क्लास है क्या, ओके। सर जैसा टाइम टेबल में ऑर्गेनिक और फिजिकल की क्लास अलग आती है, इनऑर्गेनिक की नहीं होगी क्या? इनऑर्गेनिक मैं ही पढ़ाऊंगा साथ, जब फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक का चैप्टर स्विच होता है, दो तरीके के ना, ठीक है। इसको करना, 3 मोल ये है और 2 मोल ये दे रखा है आपको, और 2 मोल ये दे रखा है, इसके मोल्स पूछने हैं। बताओ फटाफट जल्दी से खत्म करते हैं, एक मिनट में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन, है ना, आज थोड़ा सा लेट हो गए, है ना, करते हैं क्लास में, चैट कर लेना उस पे, ये मोबाइल ऐप पे चैट पे कर लेना, ठीक है, बात है ना। तो पहली रिएक्शन में लिमिटिंग है या नहीं है, पहली रिएक्शन में लिमिटिंग है या नहीं है, है, कौन है, कौन है, 3/2 और 2/3 कौन है, बी है, तो बी से इसको बना दो, कितना बनेगा, कितना बनेगा, 1/3 × 2 कितना बनेगा, 2/3 मोल, ये 2/3 मोल आगे जाके कितना रेट करेगा, 2/3 मोल ही रेट करेगा, चेंज नहीं हुआ ना, जो पहले रिएक्शन में बनता है वही दूसरी रिएक्शन में रेट करता है, ना कम ना ज्यादा, आज ही सीखा था सीरीज ऑफ रिएक्शन में। अब फिर से लिमिटिंग चेक कर लो, इसको चेक करोगे तो क्या आएगा, 2/3 / 2 कितना आएगा, 1/3, उसका करोगे तो कितना आएगा, 2/4 / 1/2, तो लिमिटिंग कौन हो गया, लिमिटिंग कौन हो गया, छोटा कौन है, 1/3 हो गया ना छोटा, 1/2 से, तो यही लिमिटिंग हो जाएगा, इससे इसको बना दो, तो 1/2 × 2/3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हुआ आपका आज लिमिटिंग रिएजेंट, आप लोग उसमें एक सेक्शन है आपकी सीट में लिमिटिंग रिएजेंट वाला, या ई एफ, है ना, हाँ कर सकते हैं आप एन अवस्थी वगैरह सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करते जाओ, है ना, उसके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करते जाओ, अभी लिमिटिंग का कर लिया है, डी का 2 मोल मैंने दे रखा है अभिषेक,
डी का 2 मोल मैंने दे रखा है, पहले दिया हुआ था है ना, पहले से दिया हुआ है उसमें, ठीक है, उसको नहीं दूंगा तो फिर एक क्वेश्चन गलत होगा, है ना। ठीक है, आप लोग करो इसका, और मैं आपको थोड़ा सा कुछ होमवर्क वगैरह जो भी करूंगा। नहीं, 4D लिमिटिंग कैसे होगा, 4D तो 1/2 आ रहा है और ये 1/3 आ रहा है ना। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, मैं टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा आज का नोट, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा आपको। लेक्चर भी यूट्यूब पे रिलीज हो जाएगा, और इसको मैं यूट्यूब वाले लेक्चर को मैं आपके उसमें भी पुट कर दूंगा, जो मोबाइल मेरे मोबाइल ऐप पे जो बैच बनाया है उस पर भी कर दूंगा। ठीक है, कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। ओके, लीव करते हैं, आपका क्लास भी है, मेरा भी है, दो लोगों का क्लास है ना। ठीक है, कुशल को डीवो नहीं मिला है क्या अभी? हाँ, मैं अभी ज्वाइन कराता हूँ, मैंने अभी देखा नहीं है ना, मैं पढ़ा रहा था ना, मैं जस्ट अभी क्लास खत्म करूंगा 1 बजे, सबको सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, चिंता मत करो ना। कुशल, आपके पास टेलीग्राम लिंक भेज दिया मैंने, देखो ज्वाइन कर लो।